हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी और आलू के नाश्ते की रेसिपी, जिसके आगे कचौरी, समोसे और सैंडविच का स्वाद भी फीका लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें एक चम्मच ऑयल लिया है, उसके साथ ही एक चम्मच जीरा डालकर उसे थोड़ा सा पकने देना है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब क्या करना है, एक ग्लास के बराबर पानी लेना है और उसमें डाल देना है। उसके बाद एक छोटी कटोरी सूजी लेना है और इसमें डालना है और चलाते रहना है ताकि इसमें गुठली वगैरह ना हो। थोड़े थोड़े करके मैंने सारे सूजी को डाल दिया है इसमें और इसे पकाते रहें। तो ध्यान दें फैन, इसे चलाते रहें, नहीं तो नीचे ये ना बैठने लगेगा, यानी जम जाएगा। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पका लिया है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब क्या करना है, इसे एक प्लेट में निकाल लेना है और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसकी स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने चार उबले हुए आलू लिए हैं। उसके बाद इसमें एक छोटे साइज का चॉप किया हुआ प्याज लिया है। उसके साथ ही इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं, जिसमें एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच भर के पाव भाजी मसाला पाउडर, जिससे ये स्टफिंग बहुत ही चटाकेदार बनेगी। और स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि आलू है ना, उसमें कोई बड़ा टुकड़ा ना रह जाए। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करें। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी हो चुका है। तो अब क्या करना है, इस स्टफिंग में इसके थोड़े से पोर्शन लेना है, मैंने थोड़ा सा स्टफिंग लेना है और जैसे आलू टिक्की बनाते हैं ना, उसी का शेप देना है, छोटे छोटे से आलू टिक्की का शेप देना है। तो सारे टिक्की को बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब क्या करना है, जो सूजी था ना, वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब इसे ना मसल मसल कर इसे डो फॉर्म में लेकर आएंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना उसी तरह। तो इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मसलें। तो इसका डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसा ही सॉफ्ट डो चाहिए हमें अपनी नाश्ते बनाने के लिए। तो अब क्या करना है, इस डो के थोड़े से लेना है उसे, जैसे पूरी बनाते हैं ना, तो पर हमें पूरी नहीं बनाना है, हमें पूरी के साइज का ही, पूरी साइज का ही बनाना है, पर थोड़ा मोटा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। दबा दबा मतलब हाथों से इसे थोड़े से दबाएं ताकि ज़्यादा मोटा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो। तो एक को हमने रेडी कर लिया है, तो सारे को पूरी बनाकर हम लोगों ने रेडी कर लिया, बट ये पूरी नहीं है। तो क्या करना है, एक पूरी को हाथ में लेना है और जो आलू के टिक्की बनाया था ना हमने, उसको लेना है और इसके बीच में रख देना है और थोड़ा सा दबा देना है ताकि ये निकले ना। उसके बाद क्या करना है, दूसरी पूरी लेना है और इसके साथ में ऐसे चिपका देना है, बिल्कुल अच्छे से चिपका दे ताकि एक दूसरे से को से निकले ना। तो ये दोनों अच्छी तरफ से बिल्कुल चिपक चुका है। तो एक को रेडी कर लिया है। तो देखो अब क्या करना है, एक लेना है सारे नाश्ते में से, एक नाश्ते को लेना है और उसके थोड़ा डिजाइन बना लेना है। तो क्या करना है, चाकू के पीछे साइड से इसमें ऐसे लंबा लंबा से ऐसे डिजाइन बना देना है ताकि देखने में ये नाश्ता और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो दोनों साइड में ऐसे डिजाइन बना लेना है। कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे डिजाइन बना देने से और अच्छा लगता है। तो एक में हमने डिजाइन बनाकर रेडी कर लिया है, तो सारे में ऐसे डिजाइन बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब क्या करना है, एक तवा लेना है, उसमें एक या दो चम्मच बस ऑयल डालना है और ये सारे नाश्ते को उसमें डाल देना है। फिर एक तरफ पक जाए तो उसे पलट देना है, फिर
दोनों साइड से अच्छी तरह पक चुका है, तो अब इसे एक बिल्कुल ये अच्छी तरह से पक चुका है तो इसे एक प्लेट में निकाल दें तो हमारा नाश्ता बिल्कुल